My dear friend, आप लोग देख पा रहे ये ओलमेभेक AM20/5, ओमलेभेस AM40/5, ओमलेभेस AM, ये दूसरा। तो दोस्तों ये ओमलेभेक ये ओलमिसर्टन मेडोक्सिमिल एंड एम्लोडिपिन, ओलमिसर्टन 20 mg एंड एम्लोडिपिन 5 mg एक कॉम्बिनेशन। और इसमें देखो ये भी ओलमिसर्टन मेडोक्सिमिल 40 mg एंड एम्लोडिपिन 5 mg, 10 mg का साथ भी अवेलेबल मिल जाता है, लेकिन लोअर डोज ये टू कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन। ये मेडिसिन के बाजार में आपको, हमारे इंडिया का मैं बात कर रहा हूँ, जो ओलमिसर्टन मेडोक्सिमिल एम्लोडिपिन टैबलेट, तो ओलमेभेक AM करके जो हमारा मेडिकल स्टोर में कोई भी मेडिकल स्टोर में आपको अवेलेबल मिल जाएगा 20/5 mg, ओलमिसर्टन 20 mg एंड एम्लोडिपिन 5 mg का कॉम्बिनेशन का साथ ओलमिसर्टन 40 mg एंड एम्लोडिपिन 5 mg। देखो ये टू कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, सिंगल मेडिसिन से भी अच्छा रिजल्ट होता है। सिंगल मेडिसिन इतना ज़्यादा रिजल्ट आपको दे नहीं पाएगा, क्योंकि ये डबल स्ट्रेंथ, ये डबल ओलमिसर्टन हाई ब्लड प्रेशर एंड एम्लोडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बीटा ब्लॉकर मेडिसिन। सो दोस्तों, दोनों हाई ब्लड प्रेशर की ये लोअरिंग का काम करता है, जब दोनों एक साथ काम करता है तो रिजल्ट अच्छा बन जाता है। सो दोस्तों, आप लोग गलती नहीं करना, जिसका हाई ब्लड प्रेशर हुआ है, कोई मेडिसिन के अगर लोअरिंग नहीं हुआ है, सो आपको कॉम्बिनेशन मेडिसिन आपको लेना पड़ेगा, 2 कॉम्बिनेशन एंड 3 कॉम्बिनेशन। मैं ये डे बाय डे मैं अपडेटिंग करते जा रहा हूँ मेडिसिन हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट रिलेटेड हाइपर टेंशन, हाई ब्लड प्रेशर के लिए मैं बहुत सारे मेडिसिन देने वाला हूँ और दे रहा हूँ। मेरा ये वादा है आप लोगों से, ये मेडिसिन में हार्ट रिलेटेड जितना भी मेडिसिन मैं आप लोगों को जानकारी दिलाऊंगा, अवेयरनेस कराऊंगा, और जो इसमें आपको लगता है अच्छा है तो आप वो ले सकते हैं। देखो हार्ट रिलेटेड जो चेस्ट पेन, हाई ब्लड प्रेशर, ये आप लोगों को ज़्यादा कोई साइड इफेक्ट एंड पार्श्व प्रतिक्रिया नहीं है। जिसका हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन है, वो ये टैबलेट आप डेली का लोअरिंग डोज, डेली का एक टैबलेट आप ले सकता है, तो आपको मेरे ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। अदरवाइज आपको कोई रास्ता नहीं है आपका ब्लड प्रेशर लोअरिंग करने का। एक बार अगर ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो गया और मेडिसिन आप शुरू कर दिया, वो मेडिसिन कृपा करके आप लोग सडनली कोई मेडिसिन हाई ब्लड प्रेशर का सडनली लेते लेते सडनली स्टॉपिंग नहीं करना। तो दोस्तों, ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो मेडिसिन आप लेते रह रहे हाई ब्लड प्रेशर, बेशक आप ब्लड प्रेशर लोअरिंग के लिए कोई भी मेडिसिन आप चेंज कर सकता है, लेकिन सडनली कोई भी ब्लड प्रेशर का खा रहा है और सडनली स्टॉप नहीं करना चाहिए। अब डॉक्टर का सलाह, डॉक्टर या फार्मासिस्ट से आप बात करके ही फिर स्टॉपिंग का सोचना। सो दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए मैं वीडियो का साथ साथ लिख के दे रहा हूँ, वो आप देखना, बहुत ज़रूरी है। हाई ब्लड प्रेशर का जो पेशेंट है, आपको ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना है और बहुत ही ज़्यादा आराम से आप लोग को यह ट्रीटमेंट लेना है। देखो, लाइफ इज़ ए वेरी इम्पोर्टेंट, लाइफ एक बार जाएगा तो दोबारा वापस नहीं आने वाला। सो दोस्तों, लाइफ आप ऐसे करो, लाइफ में अच्छा तरीके जीने का कोशिश करो, जो आपको ये टैबलेट आपको दे सकता है। देखो, हाई ब्लड प्रेशर मरता मरता जीना कोई ज़रूरत नहीं। सो ये मेडिसिन आपको सुस्त एवं स्वस्थ एवं एक्टिविटी, बहुत ही सुंदर बेहतरीन जिंदगी आपको देगा, आपको स्वस्थ रखेगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखेगा। सो दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद ज़्यादा जानकारी के लिए। मेरा ये वीडियो का साथ साथ जो लिख के दे रहा हूँ, वो 2-4 लाइन आप पढ़ के जानकारी लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।